सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एंड चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो लाया हूँ माइक्रोमैक्स का फ़ोन भारत वन, ठीक है, जो जियो ने बनाया है 1500 का फ़ोन, वैसे ही माइक्रोमैक्स भी निकाला है। तो थोड़ा दोस्तों इसमें थोड़ा फीचर्स अधिक दिया है और पैसा भी अधिक लग रहा है। तो दोस्तों इसमें डुअल सिम है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, पर दिखा दे रहा हूँ आपको ये डब्बा कैसा दिया है इसका, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका बार कोड है, ठीक है, ऊपर माइक्रोमैक्स लिख रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और मेड इन चाइना लिख रहा है और इसे बहुत सारा फंक्शन दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर फीचर्स दिया है। तो मेरा नाम हवलदार प्रजापति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फीचर्स के बारे में बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका फीचर्स है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन डुअल सिम सपोर्टेड 2000 mAh बैटरी। देखिए दोस्तों वहाँ नीचे वह भी लिख रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 2.4 स्क्रीन का ये इंचेस इसका डिस्प्ले दिया है, 2 MP रियल कैमरा दिया है, VGA सेल्फी कैमरा दिया है, 512 MB रैम है, 4 GB रोम है, 4G सेट है, LTE है, इसमें LTE दिया है तो और बेहतर कॉलिंग आपका होगा, और वाईफाई ब्लूटूथ और डुअल सिम सपोर्टेड बैंड्स। यहाँ सिम के बारे में फीचर्स बता रहे थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है। देखिए नीचे में लिखा है दोनों LTE लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों GPS भी दिया है, 2000 mAh का बैटरी, यहाँ पर BSNL का प्रचार किया हुआ है। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों हमने पहले से इसको खोल लिया था, ऑन कर दिया था, ठीक है। तो मैं वैसे कर फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने सोचा कि आप एक वीडियो बनाकर दिखा दूँ, मैंने फ़ोन अपने ले लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक इस ये प्लास्टिक पैक रहता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सिल्क पैक रहता है, यहाँ से हमने काट दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं, ऐसा ही दिया था। तो ये फ़ोन है, ये माइक्रोमैक्स का, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है इस डब्बे में। तो देखिए दोस्तों ये बुक दिया है, यूजर गाइड दिया है, ठीक है, आप इसमें पढ़कर आप इसको गाइड कर सकते हैं इस फ़ोन को, ठीक है, इस फ़ोन के बारे में। और इसका बैटरी है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है इसका बैटरी, यहाँ पर बैटरी मॉडल दिया है, इसका बैटरी बार कोड है। यहाँ पर देखो दोस्तों, देखिए आप माइक्रोमैक्स लिख रहा है और यहाँ पर दोस्तों देखिए 2000 mAh का बैटरी लिख दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम साइन करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों चार्जर भी दिया है, देखिए यहाँ पर चार्जर दिया है माइक्रोमैक्स का, इस फ़ोन का चार्जर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है ये 700 mAh का है आउटपुट। तो दोस्तों इसका इनपुट है 100 या 240 तक वोल्टेज लेगा आपका, या अगर लाइन 100 वोल्टेज तक रहता है तो यह टान लगा आपको, मैंने आपका सप्लाई दे देगा, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आउटपुट दे रहा है 5.0 वोल्टेज दे रहा है 700 mAh, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका एयरफोन दिया है, एयरफोन, ठीक है, कमाल का है, इससे देखिए इससे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस हम लोग अब चलते हैं इस फ़ोन के ऑन करने के की तरफ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इस फ़ोन को ऑन करते हैं। दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर दोनों जियो का सिम मैं डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सपोर्ट दोनों कर रहा है कि नहीं एक साथ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर देखिए माइक्रो SD कार्ड लग जाएगा, ठीक है, यानी चिप जो बोला जाता है, मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों इस सिम का जो पिछला भाग होता है, 3 कैटेगरी का सिम कटा हुआ आता है, तो पिछला जो भाग होता है वो लगेगा इसमें, ठीक है। तो मैं लगा दे रहा हूँ पहले, ठीक है, एक मेरा जियो का जो रेट है वो नहीं है, तो ये मैंने आइडिया का लगा दिया है, तो जियो का ही सिम लगाया हुआ है, ठीक है, उसका खोला हुआ हमने लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पर हम लोग दोनों सिम को डाल लेंगे।
दोस्तों हमने इसको ऑन कर लिया। तो देखिए दोस्तों, ये हमने फ़ोन को ऑन कर दिया है, ऐसे इसका लुक्स खुलेगा डिस्प्ले जो है। थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ऑन हो गया फ़ोन। तो दोस्तों ये फ़ोन ओपन होकर रेडी हो गया है। अब इसके फीचर्स के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू सिम कार्ड डेट तो डिफॉल्ट सिम का सेटिंग एज मोबाइल डेटा लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए, तो यहाँ जियो और एयरटेल दिखा रहे हैं। तो आप एयरटेल पर, और यहाँ पहले का मैंने एयरटेल सिम डाला था, तो एयरटेल इस सिम का जो नेम लिखा रहता है वो मैंने लिखा था। ठीक है, तो वो दिखा रहा है। दोस्तों हम लोग इसको बैक कर लेते हैं, पहले इसके बारे में, इसके ऐप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको दिखाऊंगा वो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है, मैंने पहले से सेट कर लिया है। ठीक है, नाम ये दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ फेवरेट अपना जो नंबर है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट दिया है, फ़ोन दिया है, कैमरा, और यहाँ मैसेज भी दिया है। इसके बाद इसके ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूट्यूब दिया है, ब्राउज़र दिया है, जो माइक्रोमैक्स का ब्राउज़र है वही दिया है। ठीक है, और फोन दिया है, और ऑडियो वीडियो एफएम रेडियो भी दिया है। ठीक है, तो गैलरी, क्लॉक, फाइल्स, सेटिंग्स, टूल्स, एप्लीकेशन और बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको आप यहाँ पर ये ओके वाला बटन आपको ओके यहाँ पर दबाइएगा तो क्विकली सेटिंग दे रहा है, वॉलपेपर, नोटिफिकेशन सिस्टम, सेटिंग मैनेज ऐप्स दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर साउंड, टॉर्च, यहाँ पर टॉर्च भी सर दोस्तों दिया है। देखिए यहाँ पर टॉर्च दिया है, इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साउंड दिया है, यहाँ पर एयर मोड दिया है। ठीक है, ब्राइटनेस दिया है, आप यहाँ से ब्राइटनेस कम बेसिक कर सकते हैं आप। ठीक है, और दोस्तों नीचे में दिया है इसका यहाँ डाटा देना है। देखिए दोनों सिम का डाटा दिखा रहा है यहाँ पर, आप चालू यहाँ से कर सकते हैं। वाईफाई दिया है, ब्लूटूथ दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वाला सिम का डाटा चालू है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर दिखा रहा है दोनों सिम नहीं सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एक सिम सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको बैक कर लेंगे। यहाँ पर यूट्यूब है, तो यूट्यूब के बारे में हम अब यहाँ पर देखिए, यूट्यूब यहाँ से आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब को ओपन हो गया, यहाँ से आप ओके कर चालू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यह चालू हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं, इसमें नेट बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, और इसके ब्राउज़र के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्राउज़र इसमें दिया है, आप यहाँ से और ब्राउज़र यहाँ जो प्लस का यहाँ पर चिन्ह दिया है, यहाँ पर और ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। अब इसके सेटिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टूल्स दिया है, कैलेंडर, कैलकुलेटर, इसको हम लोग बैक दिया है, इसमें दो ही ऑप्शन दिया है। यहाँ पर अब सेटिंग में जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर में फर्स्ट में दिखा रहा है वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ, डेटा यूज, मोर सेटिंग, डुअल सिम सेटिंग, साउंड, डिस्प्ले, स्टोरेज, बैटरी, एप्स, प्रोफाइल्स, लोकेशन, सिक्योरिटी, लैंग्वेज इनपुट, फैक्ट्री डेटा एंड रिसेट, डेट एंड टाइम, अबाउट फ़ोन दे रहा है। ठीक है, अबाउट फ़ोन में आप जान सकते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, इसके बारे में इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक मैं और आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर है ये मोर सेटिंग में है, यहाँ पर एयर मोड दिया, मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क दिया है, आप इसमें क्लिक कर देख सकते हैं। आप यहाँ से अपना एक्सेस पॉइंट चेंज नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बैक कर लेते हैं। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बताने वाला था, टेथिंग एंड पोर्टेबल हॉट स्टॉप। ठीक है, यानी हॉट स्टॉप दिया है, आप दूसरे मोबाइल से आप जोड़कर नेट। मैं और आपको जानकारी दे देता हूँ, डुअल सिम सेटिंग में आप जाते हैं तो नीचे की तरफ मोबाइल डेटा दिया है, दोनों सिम का
चेंज करने के सेटिंग देता है डेटा, ठीक है। तो आप अगर आपको दोनों जियो का सिम डाले हुए, जैसे मैंने डाला हुआ है, तो आपका दोनों में सिम में डेटा है तो आप यूज कर सकते हैं। एक चालू कर कर एक यहाँ पर चालू एक होगा तो एक बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप डाटा यूज अपना कर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर में देखिए दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कोड के लिए देखिए हमने पहले से ही डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही मोबाइल को एक बार ओपन कर किया था पहले से, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको लिए वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों जो जियो का मोबाइल है उससे थोड़ा ये बेहतर है, ये आपको मार्केट में 23-24 का लगभग मिल जाएगा, ठीक है। हर स्टेट का अलग रेट रहता है, तो इसको हम लोग बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर साउंड भी दिया है, ठीक है, बहुत सारा इसमें फंक्शन दिया, आप लेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ये क्वालिटी है, छोटा है, जैसे जियो का दिया वैसा ही ये भी मोबाइल है, ठीक है। यहाँ टॉर्च भी इसमें दिया है, उसमें टॉर्च शायद नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, ये आपको ईयरफोन लगेगा। यहाँ पर दिया है 3500 जो चार्जर होता है, यहाँ पर चार्जर पिन लगता है, चार्जर पॉइंट दिया है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना भूले, लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स। सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले।